हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे चैप्टर सॉल्यूशन के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एक न्यूमेरिकल के बारे में, जिस न्यूमेरिकल में अगेन एक टर्म तो आप नहीं कह सकते हो बट क्वेश्चंस वगैरह स्ट्रेंथ बेसिस पर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रहेगा। चलिए इसके जस्ट बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कंसेंट्रेशन के टर्म्स पे, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? मोल फ्रैक्शन। हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं मोल अंश। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मोल अंश बोलते हैं। डन। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले कंसेंट्रेशन के टर्म्स को, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज आवर मोल फ्रैक्शन। ऑलरेडी हमने आपको तीन कंसेंट्रेशन के टर्म्स पढ़ाए हैं, जिसमें से पहला वाला था आपका परसेंटेज वेट बाय वेट। डन। दूसरा वाला था आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड वन वाज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या ये याद आ रहा है तीनों चीज? चलिए अभी अगर आपको थोड़ा याद नहीं भी आ रहा होगा तो हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू उसको कवर करेंगे। एज इस चैप्टर से आपको कभी भी बोर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल ही पूछा गया है, तो हम अपने न्यूमेरिकल स्किल को, न्यूमेरिकल एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने मोल फ्रैक्शन को। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए जरा हेडिंग डालते हैं मोल फ्रैक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज कि सर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एक्स। क्या होता है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? कैपिटल एक्स, पहली बात। दूसरी बात, किसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन? किसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन? पहले अपन लिख लेते हैं, उसके जस्ट बाद उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इट इज द रेशियो ऑफ, ये एक प्रकार का अनुपात है। क्या है? अनुपात। तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ a component n above a, moles of a component to the moles of all of the component present in the solution, all of the component present in the solution, present in the solution। क्या डेफिनेशन से कुछ चीजें आपकी क्लियर हो रही है? क्या बोला हमने? हमने बोला कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका तो आप क्या ले लो, उस कंपोनेंट को ले लो और उसको भाग किससे कर दो? टोटल मोल से जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हम अगर इस चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो आप समझे जरा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है, आपके पास तो क्या होगा? एक तो होगा आपके पास सॉल्यूट। क्या होगा? सॉल्यूट, जिसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? बी। बी और ए मिलकर के आपका क्या बनाता है? बी और ए मिलकर के आपका बनाता है ये सोल्यूशन। क्या बनाता है आपका? यह बनाता है आपका सोल्यूशन, बनाता है ना। बी मतलब सॉल्यूट, ए मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट। अगेन जो हम यहां पर वर्ड बोल रहे हैं ऑल ऑफ द कॉम्पोनेंट, तो टोटल कंपोनेंट कितने हो सकते हैं? अब से इस चैप्टर में ये हमने आपको बता दिया था, टोटल तो हम लोगों को दो ही कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन चैप्टर में डील करना है। मतलब कौन सा टाइप का सॉल्यूशन? हाँ, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमें किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही मोल फ्रैक्शन की बात करनी है, एंड कोरेस्पॉन्डिंगली न्यूमेरिकल भी आपको उसके लिए ही सॉल्व करना है। डन। चलिए अब यहां पर देखें आप, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या? एक सॉल्वेंट और क्या होगा? एक सॉल्यूट होगा। यही दोनों कंपोनेंट मिलके कंप्लीटली आपका क्या बनाता है? कंप्लीटली आपका सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। तो चलिए जरा हम अपन बात करते हैं, क्या अपन अभी बात करते हैं रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग किसी भी एक कॉम्पोनेंट के मोल फ्रैक्शन को निकालने की बात। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या पढ़ेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पढ़ेंगे ना। दोबारा भी बोल लो तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? यह जैसा हमने लिखा है उसी चीज को मैथमेटिकली यहां पर रूपांतरित करके, तो आप क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ, क्या लिखोगे आप? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके? अपॉन में आ जाएगा मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास? सोल्यूशन। सोल्यूशन के कितने मोल्स है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगेन अगर हम बात करें किसके बारे में? मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके भैया? सॉल्वेंट के। किसके मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों? सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन की जब अगर हम बात करते हैं
तो ये किसके इक्वल होगा, यह तो इक्वल होगा आपके मोल्स ऑफ, देखें जरा अभी ऊपर में क्या था, उसी कंपोनेंट का जिस कंपोनेंट का अपने को क्या लिखना होता है मोल फ्रैक्शन। अब यहां सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन लिख रहे हो तो न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ आपके पास आ जाएगा सॉल्वेंट, क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और भाग आपको इसको किससे करना है, आपको तो भाग करना है इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से, किससे भाग करना है बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, चलिए ये तो होगी भैया मतलब क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, है ना। तो हमने तो ये हियर भी सिंबल ही किसके लिए यूज किया था, ताकि आपको लैंग्वेज की जरूरत ना पड़े, फॉर्मूला आपका किस में आ जाए, फिगर में आ जाए, किस में आ जाए फिगर में आ जाए। तो आइए जरा फाइनल हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जब कभी भी आपके पास एक्स भी होगा, क्या होगा एक्स भी होगा, तो यह एक्स भी किसके इक्वल होगा, यह एक्स भी इक्वल होगा एनबी, देखें मोल्स ऑफ सॉलिड के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एनबी यूज करते हैं, और अपॉन में आप जिसको बोलते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बोलते हो, क्या बोलते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने आपको मास का एंड वॉल्यूम का एंड मोल का तीनों का बताया था सॉल्यूशन का कैसे से निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखा था, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट लिखा था ना, से सिमिलरली जो सॉल्यूशन का मोल होगा वह किसके इक्वल होगा, वह तो इक्वल होगा आपके सॉल्यूट के मोल्स प्लस में आपके सॉल्वेंट के मोल के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा सॉल्यूट के मोल्स प्लस में सॉल्वेंट के मोल्स के इक्वल होगा, किसका मोल भैया आपके ओवरऑल सॉल्यूशन का मोल। तो आप नीचे में चाहो तो आप एनटी कर दो, या नहीं तो आप क्या लिख लो, यहां लिख लो एन ए प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास एनबी, इतना सिंपल है डन। चलिए सेम यही जब अगर आप बात करते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, किसकी बात करते हो आप बात करते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, सही है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यह तो इक्वल हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आता। अब आप देख रहे हो ना कि सिंबल स्टार्टिंग में कन्वेंशन मानने की वजह से आप देख रहे हो फॉर्मूला कितना छोटा हो गया आपका, पर आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। तो आप एक काम करें, इस फॉर्मूले को आप किसमें डाल लें, इस फॉर्मूले को तो आप डाल लो डब्बे में, किसमें डालो आपको डालो इस फॉर्मूले को डब्बे में, ये दोनों बातें समझ में आई। चलिए अब न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कभी तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और कभी क्या पूछ लेगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, जो कि आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कुछ लोगों को आ रहा होगा कि सर मेरे को तो मोल ही निकालना नहीं आता, क्या नहीं आता मोल ही निकालना नहीं आता, तो पैरेलल ही हम आपको यहां पर कुछ बातें और लिख देते हैं, आप तो इतना नोट कर लो, उसके नीचे नोट करना, इसलिए अपने पास फ्रेम की थोड़ी कमी है, कभी भी मत बोलो मतलब एक फ्रेम है एक्चुअली, सो थोड़ा सा बगल में अभी लिख रहा हूं क्योंकि जगह वो उतना खाली है। चलिए अब दिमाग में आता है कि सर अपन मोल कैसे निकाले, देखिए मोल्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मोल अगर मैं 12th के बेसिस पर ले रहा हूं तो आपका इसी लाइन से क्लियर हो जाएगा, बाकी 11th में भी डेली बेसिस पर लेक्चर अपडेट हो रहा है, किसी को मोल में इंटरेस्ट है तो 11th के लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि जब मोल्स का लेक्चर डल जाएगा तो वहां आपको दिख जाएगा, एक बार चेक कर लेना वहां पे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स करते हुए, वहां मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा मोल्स क्या होता है, अभी तो अपन काम चलाओ फिर बोल दो जुगाड़ू मोल्स लेकर के मोल का फॉर्मूला लेकर के आते हैं जिसके बेसिस पर निकालते हैं, बट अगर आप ऐसे सोचोगे तो 11th क्लास के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आप नहीं लगा पाएंगे, बट मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि इस फॉर्मूले से 12th क्लास का एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं रुकेगा, जो कि फॉर्मूला आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जान भी रहोगे क्या होता है मूल बराबर, जो भी मास आपको गिवन होगा, फिर से जो भी मास आपको गिवन होगा उसको आप किससे भाग कर दो, उसको आप मोलर मास से भाग करोगे, ध्यान देना जी ये बहुत छोटी सी चीज है जो कि हम बराबर गलती करते हैं, हमें तो क्या लगता है नीचे आप मॉलिक्यूलर मास से भाग करते हो, किससे भाग करते हो मॉलिक्यूलर मास से, लेकिन आप एक बात बताओ मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, नहीं ग्राम तो नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है बोलिए जरा सोचे, मॉलिक्यूलर मास का तो यूनिट होता है एएमयू, याद आ रहा है ना, मॉलिक्यूलर मास का क्या यूनिट होता है एएमयू होता है, और ऊपर में तो आपने क्या लिखा मास लिखा, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत स्टूडेंट यहां पर फैल जाते हैं, ऊपर में तो क्या आपके पास मास, और मास का यूनिट क्या होता है आपका, मास का तो यूनिट ग्राम होता है। अब आप एक बात बताओ ऊपर में ग्राम और नीचे में एएमयू क्या कभी कटेगा, नहीं कटेगा ना, ऊपर में तो क्या आपके पास ग्राम और नीचे में क्या आपके पास एएमयू, क्या ये दोनों यूनिट्स कटेंगे आपस में,
बिल्कुल नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे तो नीचे कभी भी आपका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। नीचे में तो क्या होता है आपका, नीचे में होता है आपका मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास का यूनिट क्या होता है सर? ये भी मैं आपको बगल में लिख देता हूं। मोलर मास का जो आपका यूनिट होता है वह होता है ग्राम पर मोल। क्या होता है? ग्राम पर मोल। अब आपका कट जाएगा, देखो ये रहा ग्राम और ये रहा ऊपर में भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और मोल कूद के कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? मोल आप कंप्लीटली लिखते हो, यूनिट के केस में केवल MOL लेते हैं, ये भी छोटी सी बात है जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? डन। तो मोल का तो ये जुगाड़ फॉर्मूला आपके काम में हमेशा आ जाएगा, विद हैविंग कि आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि नीचे आज के बाद से आप मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलोगे, मतलब आप उसको मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं, आण्विक द्रव्यमान नहीं बोलेंगे या फिर परमाणु द्रव्यमान नहीं बोलेंगे, आप तो उसको हमेशा क्या बोलोगे? मोलर द्रव्यमान। क्या बोलोगे? मोलर द्रव्यमान, मतलब एक मोल का मास। डन। जो कि न्यूमेरिक वैल्यू तो उतना ही होता है बट वो यूनिट का फर्क कर देता है, नंबर एक बात। दूसरी बात क्या, हम इन दोनों को जैसे मान लीजिए कि चलिए सवाल में आपसे कभी बोलता है कि आप ना मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का, दोनों का निकालने को बोल रहा है। डन। तो चलिए सर एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्या बताता हूँ? एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, लाइक हम क्या निकालते हैं, हम यहाँ पर निकालते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं इसको स्टार्ट कीजिएगा। हम तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू। क्या निकालते हैं? एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू निकालते हैं। निकाले, चलिए निकाले जरा एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू, तो किसके बराबर हो जाएगा? फ्रेम थोड़ा छोटा, इसको थोड़ा और इधर से लिखता हूं मैं। क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स ए प्लस ने किसकी वैल्यू निकालना है आपने को? एक्स बी। तो एक्स ए किसके इक्वल हो जाएगा आपका? एन ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? एन ए प्लस एन बी। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इससे आपको न्यूमेरिकल में फायदा मिलेगा, पर जस्ट अभी तो हम इसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, एन ए तो क्या हो गया? एन ए, और अपॉन में क्या आ गया? एन ए प्लस एन बी। प्लस सेकेंड बात अपन करते हैं XB के बारे में, किसके बारे में? XB के बारे में। तो XB किसके बराबर हो जाएगा? NB, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके? अपॉन में आ जाएगा NA, प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास? NB। क्या आ जाएगा? NB, और अपॉन में क्या आ जाएगा? NA प्लस NB। डन। अब लघुत्तम समापवर्त तो लेना आपने बचपन से सीखा होगा, इंग्लिश वाले बोले LCM, LCM लेना तो आपने बचपन से सीखा होगा। अब आप एक बात बताओ, क्या हर में मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है? डिनोमिनेटर में जब वैल्यू सेम है तो यह किसके बराबर हो जाएगा? ये दोनों चीजें सेम है तो यहाँ आप क्या लिख दो? यहाँ आप लिख दो एन ए, और यहाँ क्या लिख दो? यहाँ पर लिख दो क्या आप एन बी, लिख सकते हैं। चलिए, नीचे वाले टर्म सेम है तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका? ऊपर में एज इट इज टर्म उतर जाएगा क्या? एन ए प्लस एन बी उतर गया। अब आप एक बात बताओ, क्या ये टर्म दोनों सेम है तो क्या ये दोनों टर्म कट जाएगा? क्या ये दोनों टर्म कट जाएगा? कटेगा ना। तो जब ये दोनों टर्म्स कटेंगे तो आप फाइनली क्या बोल सकते हो? एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप यहां से यूज कर सकते हो कि कभी भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को तुम ऐड करते हो। किसके किसके? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस में सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को, गारंटेड वो हमेशा क्या आएगा आपके पास? वन आएगा। क्या आएगा? वन आएगा। डन। और हमने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है, यहां पर एक और बात नोटिस करने लायक क्या है कि आपको केवल और केवल एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट की बात करनी है। अगर सॉल्यूट की संख्या बढ़ जाए, सॉल्वेंट तो कोई एक ही रहेगा, सॉल्यूट की संख्या अगर बढ़ जाए तो भी सबका अगर तुम मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो सबका सम कितने के बराबर होना चाहिए? वन के ही बराबर होना चाहिए। कितने के बराबर होना चाहिए? वन के बराबर होना चाहिए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या इस पॉइंट में किसी को कष्ट, कोई परेशानी नहीं है ना? तो चल वही अपन सवाल पे आते हैं कि मान लो कि एग्जामिनर आपसे, मतलब सवाल में आपसे सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट इन दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो क्यों मैं दो दो बार सेम कैलकुलेशन करूं, भाग वगैरह करूं? और ऐसे भी बोर्ड में कभी भी अच्छे मतलब सिंपल डिवीजन तो नहीं होता। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कितने गंदे से न्यूमेरिकल के आंसर्स आ गए थे, लेकिन गंदे भले ही हो आपको सॉल्व करने का स्किल जरूर होना चाहिए, वरना कभी भी आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे, नंबर एक बात। दूसरा, जो बायो वाले लोग हैं, मैथ्स वाले तो चलो ठीक है, उनको मैथ्स को करना अच्छा लगता है, बट बायो वाले लोग थोड़े रिपल्सिव होते हैं मैथ्स को लेकर के, थोड़े बहुत तो होते हैं डर। तो वैसे चीजों के लिए तो मैं आपको बोलूंगा तो जरूर जरूर एंड जरूर से कि आप वो सभी न्यूमेरिकल्स के आंसर प्रॉम्प्ट होकर के खुद से सॉल्व करके लाए। बात समझ में आ रहा है? तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, फिर न्यूमेरिकल के टुवर्ड्स आपके अप्रोच सही होंगे, ना केवल और केवल केमिस्ट्री में सही होगा, अलॉन्ग विद फिजिक्स में भी सही होगा, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल से हम और आप इसीलिए भागते हैं क्योंकि हमसे कैलकुलेशन नहीं होता है।
इस चीज को मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि बच्चों के एंड से लंबे टाइम से मैं ये देख रहा हूँ। आप यहाँ छोड़ो, कोटा में भी लोग इस तरीके से भागते हैं कि कभी ये गंदा न्यूमेरिकल दे दिया तो वहां तो मतलब चूंकि ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर करने होते थे एक क्लास में, तो वहां क्या करना होता था, वहां तो हम तो एक कैलकुलेटर होता है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, मतलब अलग अलग एमएस का होता है, 750 होता है, 991 होता है। तो कॉलेज वगैरह में जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो 991 वाला यूज करना पड़ेगा एमएस का। ऐसे आप 100 एमएस का कैलकुलेटर वहां कोटा में अलाउ करते हैं हम लोग कि भैया आप क्लास में ला सकते हो, ताकि नंबर ऑफ ज्यादा न्यूमेरिकल हम लोग क्या कर पाए, कवर कर पाए। डन। तो लेकिन अगर अपन बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं तो बोर्ड में तो बाबू आपको न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे और कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना है, और ऐसी स्किल्स अपने को डेवलप करनी है जिसका फायदा आपको कल की डेट में किसी भी कभी भी कोई भी आप बैंक पे दे लो, आप एसएससी दे लो, रेलवे दे लो, हर जगह यूज आएगा। तो इसके लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा, कोई आपको कैलकुलेशन कराने सिखाने नहीं बैठेगा। मैं जरूर बैठा हूं अभी एंड मैं आपको एक एक करते हुए हर एक की कैलकुलेशन यहां सॉल्व करके बता रहा हूं। डन। चलिए, तो ये तो हमने आपको बताया कि एक मान लो कि अगर आपको दोनों पूछा है तो क्या आप दो बार भाग करना पसंद करोगे? हम क्या बनते हैं, हम थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। कैसे स्मार्ट बनेंगे, कोई तो एक निकाल लेंगे। अब बताना जरा दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, एक। लेट्स से मान लो कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 0.4 आया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो क्या आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऐसे इस फॉर्मूले में डाल के निकालने की जरूरत है? नहीं है ना। पता है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 आया, तो गारंटेड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा सर? 0.6 होगा। कितना होगा? 0.6 होगा। ताकि 0.4 प्लस 0.6 मिलकर कितने के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। ये तो सब किसी को समझ में आ रहा होगा। गन्ना तो आप ध्यान क्या रखना है कि किसी एक का जो आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो थोड़ा सही से ही निकाल दो, उसमें गलती मत करना। दूसरा वाला जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा आप काफी आसानी से निकाल सकते हो। डन। चलिए, तो ये तो हमने आपको लिख दिया, मेजर फॉर्मूला हो गया, और इसी से आप दो और छोटी छोटी चीजें लिख सकते हो कि कभी भी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 माइनस क्या कर दो, 1 माइनस कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। एंड कभी भी अगर सॉल्यूट का कोई बोलता है मोल फ्रैक्शन निकालने को तो क्या कर दे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर दे। डन। चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक आपने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, प्रायिकता उसको हिंदी में कहते हैं। अब एक सिक्का अगर आप उछालते हो उसके भी तो आंसर एक से कम ही रहते हैं प्रोबेबिलिटी में, रहते ना। तो अब एक सिक्के के टोटल आंसर कितने, मतलब हेड आने के चांसेस कितने होते हैं, हाफ। तो टेल आने के भी चांसेस कितने ही हो जाएंगे, हाफ, ताकि दोनों हाफ और हाफ मिलकर कितना बन जाए, 1। अब हेड आने का चांसेस हाफ निकल गया तो आप अलग से टेल भी फिर से थोड़े ना निकालोगे, आप तो क्या करोगे एक में से घटा दोगे, क्योंकि तो पता है कि सिक्का अगर उछाल रहा है तो या तो उछल रहा है तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, आएगा ना। बशर्ते कि रजनीकांत भाई साहब, रजनीकांत सर जो है वो सिक्के को नहीं उछाले। अरे रजनीकांत उछालेंगे तो क्या पता कहीं सिक्का मंगल की तरफ बढ़ जाए, तो क्या पता सिक्का वो बीच में ऐसे यूं ही जाकर के जमीन पे खड़ा हो जाए, वहां कुछ भी हो सकता है। कि तमिल की मूवी में जनरली कभी भी कुछ भी होता है, और रजनीकांत सर है तो कुछ तो तूफानी हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसीलिए वहां वाले केस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी हर जगह आपका तो मैक्सिमम कितना आएगा, 1, या तो ये या नहीं तो ये। चल, तो हो गई हंसी मजाक वाली बातें, हमने एक फ्रेम आपका कंप्लीट कर दिया है। जस्ट इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, फटाफट से आप इसको क्या करें, नोट कर लें। चल, नोट कर लिया क्या? जब आपने एक बार नोट कर लिया तो आपके सामने मोल फ्रैक्शन तो देखो, सिंपल क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर लेते, बस पुट द वैल्यू गिव द आंसर वाला फंडा है उस फॉर्मूले में, बट इतना सिंपल आपको देगा नहीं। या क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के दिमाग में ही चल रहा होगा सर आप तो केवल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराते हो। मेरे भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं और आप यही वो न्यूमेरिकल हैं जिनको आप दोबारा रिवाइज भी कर पाओगे एट द एंड ऑफ द सिलेबस, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, चीजें थोड़ी ऑफलाइन होंगी या फिर थोड़ा टाइम आपको मिलो, क्योंकि बहुत सारा काम आपके रिगार्डिंग में करना होता है। देन मैं आपको अलग से क्वेश्चन दे दूंगा, बट आप एक काम करो, 100 अलग अलग जगह जाओ या 10 जगह जाओ और उसी को दोबारा रिवाइज करो, उसी को दोबारा रिवाइज करो। मैं आपके लिए लिख के देता हूँ कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ना ही एवरेज आपके नीट के क्वेश्चन छूटने वाले हैं। बात करें अगर जेई का, जो टॉपिक यहाँ चल रहा है वो टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन जेई मेंस के भी नहीं छूटेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप बात करते हो डेली एडवांस का तो वहाँ इतनी सिंपल सी चीजें नहीं पूछते, कभी कभार ऐसा होता है कि सिंपल पूछ देते हैं, तो वैसे सिंपल क्वेश्चन को आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब अभी एक्चुअली अपन तो ये पूरा का पूरा कंटेंट तैयार कर रहे हैं ये बोर्ड के लिए, एंड अलॉन्ग विद नीट की चीजें आपके उसमें इंक्लूडेड है, नंबर एक बात। दूसरी बात ना, अभी नीट के क्वेश्चन वगैरह जो सॉलिड स्टेट पढ़ाया था उन सभी का मैं एक बार यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें और जो थ्योरी जो एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखी है, जितने क्वेश्चन आपने लगाए हैं
उसके यहाँ पे कितने परसेंट क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, देखिए ना आपको लग जाएगा कि 99% क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से वहां पे लग जाएंगे। डन, चलिए तो आप इन्हीं चीजों की दोबारा इन दोबारा प्रैक्टिस करें, आपके लिए मच मोर देन सफिशियंट। अगर मैं गोल्ड कंटेंट की बात कर रहा हूँ, डन, जेई वाला भी आप देख रहे हो, वहां एक कॉलम बना है, बहुत जल्दी उसके अंदर के भी वीडियोज अपडेट होते चलते चले जाएंगे जो एडिशनल टॉपिक होगा उस। डन, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में। बट ये न्यूमेरिकल थोड़ा प्यारा न्यूमेरिकल है, क्यों? क्योंकि यहाँ दो कंसेप्ट मिले हुए हैं। एक तो क्या आप देख रहे होगे उसमें 20% बाई मास यूज करा है ना। दूसरा क्या, दूसरा आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन। क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट को यूज करके इन्हें मोल फ्रैक्शन की बात करी। और मोल फ्रैक्शन भी किसका पूछा है? और पूछा है क्लीन ब्लड, किसका पूछा है? क्लीन ब्लड। चलिए एक बार सवाल पढ़ देता मैं आपको, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके भी आप सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो, मजा आएगा, सवाल लगेगा आपसे। अगली बात स्टार्ट करते हैं अपन रिगार्डिंग दिस, क्या सवाल में दे रखा है, लाइक आपको दे रखा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इसकी बात करें अपन, इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरे के साथ थोड़ा इको आ रहा होगा, इसको थोड़ा मैं कम कर। हाँ जी सर, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हम लोग बात करते कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2। एक्चुअली इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और बाय व्हाट? बाय आवर मास। डन, परसेंटेज बाय मास कहीं लिखा होता है तो ये हमने आपको वहां समझाया था कि परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है। क्या दे रखा है? परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन पूछा है। क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन। तो आप एक काम कर लो, आपको तो देखो सॉल्यूट दे रखा है, क्या आपको सॉल्वेंट के बारे में एडिशनल कहीं कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना। सॉल्वेंट कौन सा है? तो जब कभी भी अगर आपको सॉल्वेंट नहीं दे रखा होगा तो आपको क्या मान लेना है, सॉल्वेंट आपका क्या आ जाएगा? वाटर। क्या आ जाएगा? वाटर आपका एज अ सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा। तो आप एक काम कर लो ना, आप तो एक काम कर लो, आप तो जस्ट बगल में एक टेबल बना लो। क्या बना लो? टेबल बना लो। ये टेबल अगर आप बनाते हो तो बोर्ड में ये चीज है ना काफी रिप्रेजेंटेटिव होती है आपकी कॉपी, और मजाक नहीं, लगभग कम से कम लगभग 100-200 कॉपी में आपका कॉपी बिल्कुल यूनिक होगा कि आप एग्जामिनर को सब कुछ समझा रहे हो कि चीजें किस हिसाब से चल रही है। बताएं, एक साइड से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में बात करना। यहां पर अगर हम बात करें जरा, तो ये आपका क्या लिख दे, यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूट। क्या लिख देते हैं? सॉल्यूट का कॉलम है जिसको आप कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो? बी। और ये आपका क्या है? आपका सॉल्वेंट। ये एग्जामिनर के समझ के लिए, सॉल्वेंट के लिए कौन सा सिंबल आप यूज करते हो? ए करते हो। चलो अगली बात किसकी करते हैं, यहां तो आप देख लो पहले केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, हम फॉर्मूले की बात करते हैं कि भैया उसका फॉर्मूला क्या है। सॉल्यूट का केमिकल फॉर्मूला क्या आपके पास? C2H6O2। क्या आपके पास? C2H6O2। और सॉल्वेंट नहीं कुछ दे रखा है तो अपने को क्या मानना है? अपने को तो पानी मानना है। क्या मानना है? पानी। दूसरा, ये तो हो गई टेबल की एक बात। आपको हमेशा ना इस तरीके से टेबल बना दोगे, जो डेटा नहीं पता है उसको सॉल्व करेंगे, देन फर्दर चीजें अपन डिराइव करेंगे। दूसरा क्या, दूसरी बात करते हैं अपन मास के बारे में, कितना मास आपको दे रखा है, कितना मास आपको दे रखा है। अब आप एक बात बताओ, मास तो अभी आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा, ऐसे डायरेक्टली तो सवाल में नहीं दे रखा, दे तो क्या रखा है? इनडायरेक्टली दे रखा है। कितना? 20% ऑफ C2H6 बाई मास। चलिए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, आप क्या बोलोगे? 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास का मतलब क्या है? पहले लाइन में तो आप ये समझो, मींस इन एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बताया था ना, इन एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन वी हैव 20 ग्राम ऑफ व्हाट? ऑफ C2H6O2। एंड अब आप एक बात कहो, बचे हुए जो आपके मासेस रह गए वह किसके बराबर, किसका मास होगा? वह तो आपके पानी या फिर सॉल्वेंट का मास होगा। यही तो मतलब होता है सिंपल सा। तो एंड आपके पास कितना बच गया? 80 ग्राम। तो क्या आ गया? 80 ग्राम वाटर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ही क्या हो गया, 20 ग्राम आपके पास क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल। और 80 ग्राम आपके पास क्या है? वाटर। क्या ये बात समझ आता है? चलो तो इस डेटा को भी अपन यहां पे भर देते हैं। ये तो आपका कितना दे गया? 20 ग्राम। और ये तो आपका कितना दे गया? ये तो आपका दे गया 80 ग्राम। एक कॉलम भर गया। आप हर सवाल में, आप अभी तक की करीब नहीं, आप राउंड्स वगैरह के भी बारे में हमने चर्चा किया था, तो आप उन सभी के केस में आप तो क्या करोगे? आप यूज यही करोगे, मतलब टेबल ही आप बना के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। टिल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी,
टेबल रहेगा, जिन डेटा की जरूरत है वो डेटा भी आपका आता चलता चला जाएगा। फर्दर आप आगे के भी कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर सकते हो और गलती होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। देखेंगे हम आगे राउंड फ्लो में कितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और अगर आप टेबल बना दो तो सारी चीजें आपको क्लियर कट खुद ही दिख जाएगा। डन, आए मास के बाद अगला कॉलम किसका बना दे, हमेशा हर सवाल में ना आप इसी तरीके से लिख दे। अगला आप क्या बना दे, अगला बना दे मोलर मास। अगला आप किसका कॉलम बना दो, अगला तो कॉलम बना दो मोलर मास का। किसका कॉलम बना दो, मोलर मास का। तो चलिए जरा मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। वाटर के लिए तो सबको पता ही होगा कितना मास होता है जी, मोलर मास। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, एक हाइड्रोजन का कितना होता है एक, एक प्लस एक कितना होगा 2, और 2 प्लस 16 हाँ कितना 18, और 18 क्या क्या डाल दोगे ग्राम, और पर में क्या डाल दोगे मोल। माफ कीजिएगा यहां से ही हो गया। चलिए जरा इसके मास के बारे में बात करते हैं। तो इसको तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रफ में निकालना पड़ेगा या फिर हम ओरली भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, कार्बन का 12 दूनी कितना हो गया 24, 24 में आप कितने जोड़ दो, यहां से 6 जोड़ दो तो कितना हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है तो 30, 30 में आपको कितना जोड़ना है 16, 16 होता है ऑक्सीजन का तो 2 का कितना हो जाएगा 32, 32 होगा ना इसके एटॉमिक मास। डन, तो आपका कितना हो जाएगा 30 में आपको कितना जोड़ना है, 30 में तो आपको जोड़ना है 32, 30 में आपको कितना जोड़ना है, हाँ जी सर 30 में आपको जोड़ना है 32, 12 दूनी 24, 30, 30 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपके पास 62। तो यहाँ पर कितना आ गया 62 ग्राम पर क्या आ गया आपके पास मोल, क्या आ गया आपके पास ग्राम पर मोल। देखिए आपको सारा डेटा पता है और आपसे सवाल में क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आप कुछ भी अलग से मत करो, आप तो एक काम क्या कर लो, इस टेबल में कोरेस्पॉन्डिंगली क्या भर दो, इस टेबल में कोरेस्पॉन्डिंगली आप मोल भी भर दो, मतलब लास्ट तो आपको मोल तक के करीब में इस टेबल में डेटा डालना है। बाकी मोल फ्रैक्शन बोला था आप सामने में, निकाल देंगे मोल फ्रैक्शन एग्जाम में। डन, चलिए तो आप जस्ट इसके आगे क्या लिखोगे, इसके जस्ट आगे आप लिखोगे मोल। किसकी बात कर रहे हैं, मोल किसकी बात कर रहे हो आप, मोल की बात कर रहे हो। तो मोल, मोल का सिंबल तो क्या होता है आपको पता ही, तो होता है एन। कोरेस्पॉन्डिंगली ये क्या बन जाएगा एन बी, और ये क्या बन जाएगा आपके पास एन ए। जहां आपको ये दोनों मिल गया तो फिर तो क्या करना है, जस्ट अभी हाल हमने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला में वैल्यूज डालने हैं और हमें क्या करना होगा, आंसर्स निकालने होंगे। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, सही है ना। देखिए न्यूमेरिकल बेसिस पर थ्योरेटिकल चीजें चलेंगे तो धनाधन धनाधन निपटती चलती चली जाएंगी, बट न्यूमेरिकल है तो आराम से इसको आपको भी समझना है एंड हमें भी समझाना होगा। डन, चलिए अब आपको क्या करना है, मोल निकालना है। तो मोल के लिए तो हमने आपको बताया ही था, क्या करो गिवन मास आपका 20 ग्राम है और बटा में क्या कर दो आप, बटा में आप कर दो 62 ग्राम पर क्या कर दो मोल, और यहाँ पे मोल लिख के बराबर इतना जगह रखो कि आप इसको सॉल्व करके आराम से वहां क्या कर देंगे, वहां पर आप आराम से डेटा को लिख दो, इसका भी हो जाएगा। इधर वाले को लिखो तो इधर वाले को आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 80 ग्राम दे रखा है और बट्टा में कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर में क्या आ जाएगा आपके पास मोल, एंड आराम से आप इसको भी क्या कर लें, इसको भी कर लें सॉल्व। समझ आता है यहां तक, चलो अगर आपको यहां तक भी करीब में समझ में आता है, देन अपन किसके बारे में बात करते हैं, देन अपन इसको भाग करते हैं। सोचिए जरा, थोड़ा सा सोच के देखते हैं कि किस तरीके की चीजें जाएंगी। 30 बटा 20 बटा कितना है 60, अगर 60 होता तो 20 के कितना होता 60, आप खुद से भी करने की कोशिश करो, हर बारी मेरी बात सुनो, आप खुद से करो कि आपके कितने आ रहे नहीं आ रहे। 20 के कितना हो जाएगा आपके पास, 20 के हो जाएगा 60, लेकिन 60 से थोड़ा ज्यादा है तो 3 point something पता है ये कितने के बराबर हो जाएगा 3 point something, और एक तिहाई, एक तिहाई मतलब कितना होता है, एक तिहाई का मतलब 33% होता है, कितना होता है मतलब ये 1/3 आएगा मोटा मोटी, मतलब 3.1 3.2 मैं मान रहा हूं आपके पास 3.1 3.2 आएगा ना, और 1/3 मतलब क्या, एक का एक तिहाई कितना हो जाएगा 0.33 होगा। तो आप देखो कुछ का तो चीजें आप ओरली भी करने लग गए होगे कि हाँ यार कुछ तो इतना होना चाहिए, लेकिन जब कतई 1/3 होता तो 0.33 होता, लेकिन क्या यहाँ पे कतई 1/3 तो है नहीं, 1/3 point something है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0.33 से भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा कम, और अगर हम कम जा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज आप कितना ले लो, ऑन एन एवरेज आप इसको ले सकते हो 0.33 था ना, तो आप इसको 0.33 की जगह पे आप कितना ले लो 0.32 ले लो, क्या ले लो 0.32 ले लो, बोलो ले सकते हैं, अरे बोलो ले सकते हैं ना। चल जैसे अगर आपके पास ये आ गया, इसके जस्ट बाद अगर अपन बात करें कितना आपके पास अगला, अगला अपने पास 80 और बटा में कितना 18, ये तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, 18 54 18 4 कितना होता है 72, 18 4 कितना हो जाएगा 72, 4.880 फिर से 80 तो 4 point तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 4, और आगे क्या लग जाएगा मोल, और आगे क्या लग जाएगा आपके पास मोल, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये कूद के ऊपर चला जाएगा, अगेन ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कूद के कहां चला जाएगा मोल। अब आप देखो कि आपने अपने आंसर्स को कितने आराम से तबीयत से निकाला है,
कितने तगड़े तरीके से आपने रिप्रेजेंट करा, और ये चीज एग्जामिनर को बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप कभी कोई भी डेटा ना इस तरीके से टेबल बना करके रिप्रेजेंट करो किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में, चाहे आप अभी का ले लो फिर आप आगे कभी भी बीएससी वगैरह की बात करो, आपको अगर इस तरीके से लिखते हो तो आपके मार्क्स थोड़े बेटर आते हैं इन कंपैरिजन कि आप सीधे सीधे लाइन में चीजें बढ़ाते जा रहे हो। ये लिख देना आपने को, उसके नीचे क्या बना देना है, टेबल बना देना है। टेबल बनाने के जस्ट साथ ही आप एक बात कहो, आपको एनबी और एनए पता पड़ गया, सवाल में क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इथिलीन ग्लाइकोल, आप अगली लाइन में क्या लिख दो, आप अगली लाइन में लिख दो वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल। किसकी बात करनी है अपने को, इथाइलीन ग्लाइकोल, हमें तो क्या करना है इथाइलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन की बात करनी है। डन। अब इथाइलीन ग्लाइकोल क्या है आपके पास, इथाइलीन ग्लाइकोल आपके पास सॉल्यूट, क्या आपके पास सॉल्यूट है ना, इथाइलीन ग्लाइकोल क्या आपके पास, इथाइलीन ग्लाइकोल तो आपके पास सॉल्यूट है। डन। तो उसके मोल फ्रैक्शन क्या, दैट इज आपको क्या निकालना, आपको तो निकालना है एक्स बी, आपको क्या निकालना है एक्स बी, अब एक्स बी की चीजें यहां मत करो कि थोड़ा हॉच पॉच हो जाएगा ना, तो आप क्या करो आप एक्स बी को यहां लिखो, तो आप जानते हो क्या एक्स बी बराबर क्या होता है आपके पास एन बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास एन ए, प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपके पास एन बी, हो गया ये चीज। डन। अब आप क्या करो, देखो आपके टेबल्स में से डेटा उठ के आएंगे और गलत नहीं होगा, क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा, कैसे, आप NB ऊपर में कितना लिख दोगे 0.32, और आगे क्या लगा दोगे मोल, और अपॉन में क्या कर दोगे, अपॉन में आपके पास NA कितना है, NA है आपके पास 4.44 मोल, और प्लस में कितना आपके पास 0.32, और कितना हो गया आगे आपके पास, आपके पास आ गया मोल। क्या ये बात आपको समझ में डर, चलिए अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो देखो दोनों के दोनों मोल है तो दोनों जुड़ जाएंगे, और मोल क्या निकल के बाहर जाएगा कॉमन जाएगा ना, तो आप एक काम करो आप क्या लिखोगे 0.32, और आगे क्या हो गया मोल, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4.44 में अगर 0.32 जोड़ोगे तो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 7, और 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.76, और आम में आम जोड़ते तो आगे क्या ही आता है, आम ही तो आता है, आगे भी क्या हो जाएगा मोल। तो देखें जरा मोल से मोल कट गया। अब आप देखो इस न्यूमेरिकल से आपको एक चीज और सीखने को मिलता है कि सर इसका यूनिट क्या हुआ, जैसे ऊपर वाले टर्म में यूनिट था ना ग्राम पर ग्राम, मतलब वेट बाय वेट का तो कोई यूनिट नहीं था, वेट बाय वॉल्यूम का था ग्राम पर लीटर ग्राम पर एमएल आ रहा था, तो अगेन आपका जो मोल फ्रैक्शन हुआ तो फ्रैक्शन आपका क्या होता है यूनिटलेस होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जस्ट इस सवाल को खत्म करके इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज, आप लिख सकते मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके यूनिट होते हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसके यूनिट नहीं होते हैं। डन। चलो ये आपका यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि मोल से मोल आप अल्टीमेटली क्या देख रहे हो कट रहा है। अब आपके पास क्या आता है, अब आपके पास इस फ्रैक्शन को भाग करना, क्या करना है इस फ्रैक्शन को भाग करना, कैसे करोगे भाग लिख दो, अब इसको भाग करना, अब एक काम क्या कर सकते हो, डेसिमल से तो पहले क्या कर दो, डेसिमल से पहले डेसिमल लगा दो, देखो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना पड़ ही जाएगा यार, तो बिना थोड़े बहुत भी कैलकुलेशन के आपके काम कैसे चलेंगे, बात समझ आ रहा ना, तो ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया आपने, अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा यहाँ 72, और यहाँ क्या बचा, क्या बचा 476, क्या बचा 476 बचा। चलो अब आप एक काम करो, आपको सॉल्व करना, तो अब आप कैसे करोगे, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत लोगों को नहीं आता है ये, आप एक काम कर ले, आप इसको 100 से गुना कर दे, 10 से गुना करोगे तो 320 ही रहेगा, वो अगेन क्या रह जाएगा छोटा, बोले रह जाएगा ना छोटा, क्या रह जाएगा वो रह जाएगा छोटा आपका रह जाएगा, तो आपका यहां पर क्या करोगे आप अपने मन से क्या करा, 100 से अगर आपने गुना करा तो 100 से आपको क्या करना हो जाएगा, भाग भी करना हो जाएगा। अब देखो ये बड़ा बना दिया ना इसको, जैसे ये बड़ा बन गया तो आप 476 से 3200 को भाग दे दो, और जो भी पॉइंट समथिंग आएगा दो डेसिमल आपको क्या कर देना है, पीछे की साइड जाना है, क्या करना है भैया दो डेसिमल तो आपको पीछे की साइड जाना है। चलिए जरा भाग करके देखते हैं कितना बनेगा, 10 टाइम पे अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा बताएं जरा, जब अगर आप 10 टाइम करते हो इसको 476 ना, तो 10 टाइम करोगे तो कितना बन जाएगा 4700 जाएगा, सही है 4700 जाएगा, और 4700 में तो 10 टाइम तो बहुत बोल दिया हमने, 10 टाइम तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 8 32 आप तो क्या जाओ 7 टाइम जाओ, क्या करो 476 को 7 मतलब गुना करो, 476 को कितना करना आपको आप 8 टाइम्स गुना करो, चलिए जरा 8 टाइम गुना, 8 से कितना हो जाएगा 48, हाथ में कितना आ गया 4, 8 से कितना आ गया 56, 4 कितना हो जाएगा 60, हाथ में 6, 8 से 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। अब एक बात बताओ, जब अगर आप 8 टाइम कर रहे हो तो भी तो आपका कितना 38 समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है 38 समथिंग,
तो आप एक काम करो, 8 टाइम मत करो, आप एक काम करो इसको 7 टाइम करो, करके देख लेते हैं क्या जाता है। थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन हाँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड होगा। 7 टाइम करके देखते हैं, 6 सते कितना हो गया 42, कितना हो गया आपके पास 42, हाथ में कितना आ गया 4, 7 सते 49, 9 4 कितना हो गया 53, हाथ में कितना बचा 5, 7 6 28 और 8 5 13 33, आप देख रहे हो 7 टाइम भी देखो 3200 को ओवरकम कर रहा है, मतलब 33 समथिंग 32 आ गया। तो 7 टाइम तो नहीं गारंटीड, ये कितने टाइम्स कटेगा, ये गारंटीड आपका 6 टाइम्स कटेगा। कितने टाइम कटेगा 6 टाइम, और 6 भी टाइम क्या बोलू, हाँ 6 टाइम कटेगा, क्या दिक्कत है, 6 टाइम आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कर लेगा 6 टाइम भी। चलो इसको 6 टाइम भी कर लेते हैं आपके लिए, एक बार और कर देते हैं, 36 हो जाएगा, हाथ में कितना बचा 3, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, हाथ में कितना बचेगा 4, बचेगा 4, और जैसे ही 4 बचा तो आपके 6 कितना हो गया 24, और 24 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28, कितना जाएगा 2856, और ये कितना आपके पास 32। अब 28 में कितना आगे 32 आपके पास 28 56 है ना, फिर वो कितना 32 होता है, 8 4 कितना होता है 1200, तो 400 से भी और कम, 400 से भी और कम, तो आप क्या बताएं आपको, लाइक ये कितना हो जाएगा, पॉइंट डाल दो, फिर एक और जीरो आ जाएगा, मतलब 6 समथिंग कुछ तो बोल दो, कितना बोल दो 6.1 डाल दो, क्या जाता है आपके पास, मतलब डेसिमल के बाद एक दो डिजिट तो आगे पीछे होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाग आपको कितने से करना है, इसको भाग आपको इसको करना है 100 से, कितने से भाग करना आपको 100 से, 100 से जैसे आप इसको भाग करोगे कितने से भाग करोगे, ये देखो हमने थोड़ा सा ओरल मारा है, हो सकता है डेसिमल में कुछ का ऊपर नीचे है, आप इसको तो आराम से क्या कर लेना ना, आप इसको भाग पे ले ही जाना है, हो जाएगा वो आपका। अब इस देखो 100 को कैसे एडजस्ट करोगे, 100 को मतलब और अगर कुछ करने लग जाना, इस 0 को उठा के यहाँ फेंक दो, तो 0 को उठा के यहाँ फेंकोगे तो कितना जाएगा 0.0 आपके पास 6 आ जाएगा, क्या 0.061 कह लो आप, अगर वो बन लेते हो आप तो डेसिमल के बाद ऑलरेडी दो डिजिट कवर कर रखा है बहुत है 0.06, तो आपके पास क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या गया सॉलिड, क्या गया मोल फ्रैक्शन सॉलिड। तो आप आखिरी लाइन में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो हिंस मोल फ्रैक्शन, हिंस जो सवाल पूछा आपसे कैलकुलेट वाली बात, तो आप क्या लिखोगे हिंस मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट भी क्यों लिखोगे, आपके पास सॉल्यूट पता ही है क्या, आपके पास इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या लिख देंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल इज कितना आपके पास 0.06, कितना आपके पास 0.06 डन है। इसी चीज को आपको क्या करना है, डब्बे में डाल के छोड़ देना, आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, 4 नंबर या 3 नंबर से कम में तो ये क्वेश्चन नहीं आना। क्या ये बात आपको समझ में आ रही, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो किसके साथ साथ क्या पूछ देता सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने, वॉट एवर, तो आप एक बात, क्या आप ये सारे कैलकुलेशन फिर से करना पसंद करते, नहीं करते ना आप, तो क्या करोगे आप अगली लाइन ले दोगे क्या, जैसे अगर मान लो कि सॉल्वेंट का भी पूछ देता तो आप क्या करते हो, आप जस्ट इसके बाद अगले लाइन में, जैसे ये सवाल का पार्ट है, ये सवाल यही खत्म हो गया, लेकिन अगर पूछता तो आप क्या लिखते, आप आगे लिख देते वी नो दैट, क्या जानते हो आप, जानते हो कि एक्स ए प्लस में एक्स बी किसके बराबर होता है 1। अब ये चीजें तो आपने देखो बेटशोर करते हुए निकालने की कोशिश करी, तो जब अगर आपसे कोई पूछे एक्स ए कितना होगा तो ये क्या लिख दोगे 1 - xb, क्या लिखोगे 1 - xb, 1 का तो 1 ही हो गया माइनस में, पॉइंट क्या कर दो 0.06 कर दो, 1 में कितना घटा दो 0.06 घटा दो, 1 का मतलब कितना हो गया बताएं, 1 का मतलब हो गया 1.00 माइनस में 0.06, अब 1 में से 0.06 घटेगा तो कितना बचेगा बताओ 0.94 आपके पास बचेगा, खेल आपका हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा आपके पास, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगा 0.94, हेंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वॉट आवर वाटर वुड बिकम, वॉट वुड बिकम 0.94। इस तरीके से आप कैसे से मोल फ्रैक्शन में परसेंटेज वेट बाय वेट को इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बट हाँ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, एंड अगेन आप उस चीज को सॉल्व करें। इस बार ध्यान रखना, इस बार मैं आपको इंटेक्स या फिर सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन करा रहा हूँ नीड बेसिस पे, फर्दर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप जरूर खुद से करने की कोशिश करें, इनफैक्ट अभी तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, डन चाहिए तो अभी आप इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। वैसे से अपन अगर अभी आज के कंटेंट के बारे में बात करें तो हमारा मूल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग मोलैरिटी, क्योंकि टॉपिक ऐसा सा है कि एक ही टॉपिक को अच्छे से कवर करने में 40-45 मिनट लग जाते हैं, तो कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन में 2-3 दिन ऐसी वीडियोस बना के डाल दूं, आप लोग हेक्टिक मत समझना यार, आप लोग पढ़ लेना उसको अच्छे से, डन जस्ट बी गाइस, कि अभी अपने सिलेबस के भी बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नो डाउट 30% सिलेबस आपका कम हो चुका है, लेकिन फिर भी हम तो क्या कोशिश करने वाले हैं, हम तो सब पढ़ने वाले हैं, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर में क्या करेंगे फोकस करने वाले हैं, डन
तो इतना आज की वीडियो के लिए काफी है, मिलते हैं अपन अपने अगले एपिसोड में जब हम बात करेंगे रिगार्डिंग मोलारिटी। थैंक यू, फटाफट से मिलते हैं।